हमारी नेता सोनिया जी, तब के प्रधान मनमोहन सिंह जी और वस्त्र मंत्री आनंद शर्मा जी, इन्होंने इंदू मिल की जगह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को देने का काम किया था स्मारक करने के लिए। 11 अक्टूबर 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसका भूमि पूजन भी कर दिया। कांग्रेस को हालांकि बुलाया नहीं था, वो उनकी 11 नवंबर एक स्टेट ऑफ आर्ट मेमोरियल अम्बेडकर जी का होना चाहिए, ये इस देश में सबकी इच्छा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति ये रूलिंग पार्टी का कितना प्रेम है ये इसे दिखता है, क्योंकि राज्य सरकार ने जब प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावली के अनुसार 1.33 FSI का TDR देने के लिए मान्यता दी है, तब NTC ने इसकी कीमत 1413 करोड़ रुपए होती है जो राज्य सरकार देने के लिए तैयार है। 19 अप्रैल को वस्त्रोद्योग मंत्रालय से NTC से एक लेटर गया है महाराष्ट्र सरकार को, जिसमें नगर विकास के प्रधान सचिव ने बोल दिया है कि उस जमीन के लिए 2.5 FSI यानी क्या TDR दे दीजिएगा, उसका मतलब है 28 करोड़ रुपए की उन्होंने मांग की है। क्या बाबा साहब अम्बेडकर के मेमोरियल करने के लिए उसकी कोई कीमत हो सकती है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये आस्था, विश्वास और भावना का प्रतीक है। देश में ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर को चाहने वाले लोग बहुत सारे हैं। क्या ये जमीन के लिए खींचातानी बराबर लगती है, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो खींचातानी है उसका उपाय कोई सुलझ नहीं रहा है, इसके लिए आपको ध्यान देना जरूरी है। सर, मैं बताना चाहूंगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का हम महाराष्ट्र के लोग हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि महाराष्ट्र के पुत्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने इतना बड़ा काम पूरे देश में ही नहीं पूरे विदेश में पूरे विश्व में किया है कि जिसका स्मारक इतना अच्छा होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए, जो स्टेट ऑफ आर्ट होना चाहिए, और उसके लिए जमीन का झगड़ा नहीं होना चाहिए, उसके लिए जमीन देने के लिए खींचातानी नहीं होनी चाहिए। जब 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है, भूमि पूजन किया है, 6 महीने के बाद भी अभी तक उसकी जमीन हस्तांतरित नहीं हुई है, यही निराशाजनक है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने, जो आप सत्ता में बैठे हैं, उन्हें जल्द से जल्द ये जमीन हस्तांतरित करके देनी चाहिए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक अच्छा स्मारक वहाँ जल्दी से जल्दी होना चाहिए। वैसी साहब, कि आप अपनी वाइफ के नाम पे लोन ले लीजिएगा करो क्वेश्चन हमारी जो है नहीं, कोई गलत बात नहीं कही, आप चिंता मत करें।